जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। बागेश्वर बालाजी सरकार सदा बनी रहे, तो तीसरी बागेश्वर धाम सरकार भगवान 30 तारीख से रामेश्वरम में पधार रहे हैं, जहां 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है रामेश्वर, जहां पर श्री राम ने भूत भावन भोलेनाथ का अभिषेक किया, भोलेनाथ की स्थापना की। लंका जाने से पहले विजय प्राप्ति के लिए उनकी स्थापना की। वही पावन धरा में आज हम मौजूद हैं। 30 तारीख को, यानी कि आज से 2 दिन बाद, 30 तारीख को 5 दिवसीय श्री रामचरित चर्चा यही पर रामेश्वर की पवित्र पावन धरा में पूज्य श्री बागेश्वर सरकार के मुखारविंद से हम आप सभी श्रवण करने जा रहे हैं। इसके साथ ही पार्थिव शिवलिंग निर्माण है, सुबह 9 बजे से 12 बजे से अभिषेक और महायज्ञ है, फिर शाम को 6 बजे से पूज्य श्री बागेश्वर सरकार के मुखारविंद से रामचरित चर्चा पर कथा हम आप सभी 20 दिसंबर से 3 जनवरी तक यही बस में। जो यजमान परिवार है उन सभी से आग्रह है कि आप सभी रामेश्वरम पधारे और पूज्य भगवान के दर्शन करें, भूत भावन भोलेनाथ के दर्शन करें, और बाकी के जो गुरुदेव भगवान के भक्त हैं उनसे आग्रह है आप संस्कार चैनल के माध्यम से, बागेश्वरम चैनल के माध्यम से घर बैठकर गुरुदेव भगवान के दर्शन कर सकते हैं और रामेश्वरम भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं। ये वही समुद्र है जहाँ पर राम सेतु का निर्माण प्रभु श्री राम की वानर सेना ने किया था, यहीं पर गुरुदेव भगवान का निवास है और यहीं पर कथा प्रारंभ होगी। तो आप सभी पूज्य गुरुदेव भगवान के दर्शन करें, रामेश्वरम के दर्शन करें और घर बैठकर ही आप सभी कथा श्रवण करें। जय श्री राम, जय बागेश्वर राम।